सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सबको हंसाने वाला आज आखिरकार दुनिया से रुखसत कर गया। हंसी के ठहाके के बदले सबकी आंखें गमगीन हो गई। आज इस खास पेशकश में कॉमेडी किंग के अर्ज से पर्स तक का सफर बताएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बचपन से ही था कॉमेडियन बनने का जुनून। 50 रुपए के लिए करते थे कॉमेडी। गजोधर भैया के किरदार से मिली पहचान। कॉमेडी के जरिए सच किए सपने। कॉमेडी से कमाया इज्जत, शोहरत और नाम। ये भैया पता पूछ रहे हैं, का नाम बताया भाई? घनश्याम दुबे। घनश्याम दुबे पूछ रहे हैं। कहा जाता है कि जीवन का सफर एक ऐसा सफर है, इंसान जहां दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इंसान को हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है और हर इंसान को सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा मानना था कॉमेडी के सरताज राजू श्रीवास्तव का। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाले कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। कॉमेडी किंग ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली और इसी के साथ इंडियन कॉमेडी के एक युग की समाप्ति हुई। मैं आपको बताती हूँ कि कैसी थी कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की जिंदगी, उनका पर्श से अर्श तक का सफर। राजू श्रीवास्तव ने अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए मुंबई में ऑटो भी चलाया। जब राजू श्रीवास्तव ऑटो चलाते थे तब ऑटो में लोगों को चुटकुले सुनाते थे और हंसाया करते थे। उनके इस हुनर की वजह से सिर्फ किराया ही नहीं मिलता था बल्कि उनको टिप भी मिल जाती थी। एक दिन उनके ऑटो में बैठी एक सवारी की वजह से उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी में पहला ब्रेक मिल गया। राजू श्रीवास्तव ने कई सालों तक स्ट्रगल किया और पहले ब्रेक के बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। उस दौर में कॉमेडी किंग को कॉमेडी करने पर सिर्फ 50 रुपए ही मिलते थे। दुनिया को हंसाने वाला आज हम सब को रुला के चला गया। गजोधर भैया का विनम्र स्वभाव, बातों को समझने का तरीका इतना बेहतरीन था कि कोई भी उनका मुरीद हो जाए। जितने बड़े वो कॉमेडियन थे उतने ही संजीदा इंसान। कॉमेडी किंग स्ट्रगल के दिनों में बर्थडे पार्टी में जाकर कॉमेडी किया करते थे, तब उन्हें कहीं 50 रुपए मिलते थे। गजोधर भैया को सबसे ज्यादा पहचान लाफ्टर चैलेंज के जरिए मिला। कॉमेडियन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कॉमेडी किंग उप विजेता रहे थे। उन्होंने इस शो में गजोधर भैया का किरदार निभाया था। उस दौरान घर घर में हर किसी की जुबान पर गजोधर भैया का नाम रहता था। राजू श्रीवास्तव की कुल नेट वर्थ करीब 20 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास कानपुर के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी खुद का घर है। उनकी ज्यादातर कमाई स्टेज शो के जरिए होती थी। हर शो के लिए वो 4-5 लाख रुपए की मोटी रकम की फीस लेते थे। बता दें कि उनके पास कारों का भी शानदार कलेक्शन रहता है जिसमें इनोवा से लेकर BMW 3 और ऑडी Q7 जैसी कारें शामिल हैं। कॉमेडी किंग कमाई बतौर कॉमेडियन टीवी और फिल्मों में होती थी और उनकी कमाई का जरिया वर्ल्ड टूर, कॉमेडी शो, अवार्ड होस्ट और विज्ञापन भी थे। पूरा देश गजोधर भैया को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है क्योंकि आज एक महान हास्य कलाकार दुनिया से अलविदा कह गया। प्राइम टीवी की तरफ से कॉमेडी किंग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।